किसना नेचर पार्क, एक सपनों की दुनिया, एक परिंदों की दुनिया। दोस्तों परिंदों की दुनिया तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, लेकिन एक्वेरियम का पार्ट कवर करना बाकी था जो आज हम कवर करेंगे, और एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिशेस आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों फिशेस ही नहीं देखेंगे, फिशेस के साथ आपको इग्वाना और डॉग भी आगे दिखाने वाला हूँ, प्लस यहाँ पर स्टोर भी बनाए गए हैं वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों फिशेस आपको टैंक के अंदर ही नहीं, पॉन्ड के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जिनको आप बिल्कुल ही खुली आंखों से फ्रेश वाटर में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन फिशेस। ज़्यादातर फिशेस आप लोगों ने पेट शॉप वगैरह पर देखी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी फिशेस भी हैं जो जल्दी से आप लोगों को देखने को नहीं मिलती, जैसे कि टाइगर फिश, वो आगे आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हम हैं कृष्णा नेचर पार्क, ये जापानीज कोई थी, इसको नाइफ फिश कहा जाता है दोस्तों। तो कृष्णा नेचर पार्क जो है वो एयरपोर्ट से नज़दीक आया हुआ है, साइलेंट जोन में। आपको ऑनलाइन इसका एड्रेस मिल जाएगा, इवन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल दे दूंगा। दोस्तों कृष्णा नेचर पार्क का पहला एपिसोड आ चुका है, जिस पर हमने ब्लू एंड गोल्ड मकाओ, स्कारलेट मकाओ जो 8 लाख रुपए का आता है, अफ्रीकन ग्रे, काकाटू और बहुत सारे पंछी परिंदे जिनके साथ आप खुद इंटरेक्ट करके फोटो सेशन करवा सकते हैं, वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों तीन सेक्शन बनाए हुए हैं, 3 से 4 सेक्शन हैं, मैं कुछ सेक्शन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें से एक सेक्शन है पूरा एक्वेरियम का, जहाँ पर रंग बिरंगी फिशेस देखने को मिलेंगी। अभी आपने डॉलर फिश देखी, अब ये एक से बढ़कर एक पॉन्ड के अंदर फिशेस भी आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्पा वगैरह का भी अरेंजमेंट करवाया जाता है, सैटरडे संडे को यहाँ पर दोस्तों आप लोग प्री लंच या प्री ब्रेकफास्ट वगैरह बुकिंग करवा सकते हैं। अब दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये हमें यहाँ गिफ्ट किया गया, जैसे कि हम यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आए थे तो हमारी एंट्री भी फी थी, और हमें कुछ गुडीज जो गिफ्ट किए गए जो अभी स्टोर से हमने देखे हैं, तो ये आपको आगे देखने को मिलेंगे। मैं स्टोर में आपको दिखाता हूँ कि आपको भी ऐसे गुडीज आप खुद खरीद सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और यहाँ से सुनहरी यादें आप अपने घर तक ले जा सकते हैं। तो एक्वेरियम दोस्तों मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत एक्वेरियम बनाया है। दोस्तों ये बता दूं कि ये जो कृष्णा नेचर पार्क है, ये लायन फिश की मैं बात कर रहा था, ये मुझे बहुत पसंद आई दोस्तों। यहाँ पर बहुत खूबसूरत कलर में यहाँ पर लायन फिशेस है। तो दोस्तों कृष्णा नेचर पार्क एक ओपन आइवियरी बनाई गई है, जहाँ पर आप वाइल्ड बर्ड्स को, जो विदेशी वाइल्ड बर्ड्स हैं, ये देखिए ये जो है सोल्ट वाटर की फिश है, ठीक है, ये एलिगेटर गार है, बहुत जल्दी से बढ़ती है। तो कृष्णा नेचर पार्क में दोस्तों जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, साउथ अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीकन बर्ड्स, उन सबको आप बिल्कुल ही नज़दीक से देख सकते हैं, इवन अपने साथ फोटोशूट भी करवा सकते हैं। ठीक है, अभी आप टॉर्टोइस देख रहे हैं, ये भी सारे बर्ड्स और सारे जानवर यहाँ पर विदेशी हैं, कोई भी भारतीय फिश की प्रजाति यहाँ पर नहीं है, ये जापानीज कोई है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, अगर आप यहाँ पर आएंगे दोस्तों आपको ज़रूर आना चाहिए, फैमिली के साथ पिकनिक भी हो जाएगा। कुछ फ़ीस इन्होंने कुछ 250 रुपीज़ समथिंग एंट्री फ़ीस रखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि एंट्री फ़ीस क्या है, प्लस इनके फेसबुक पे पेज पे जाकर आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं। तो एक्वेरियम तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत नंबर ऑफ स्पीसीज की फिशेस यहाँ पर रखी हुई थी। ये डॉलर फिश आप देख रहे हैं, कुछ के नाम में शायद गलत बोल सकता हूँ, बिकॉज दोस्तों मैं एक्वेरियम पसंद तो करता हूँ, लेकिन मुझे इतना आइडिया एक्वेरियम में नहीं है। ये शार्क है, छोटी शार्क जो एक्वेरियम में रखी जाती है, और ये है फ्लावर हॉर्न फिश। दोस्तों ये ज़्यादातर अकेली ही रखी जाती है, और इसका घड़ा जो है बहुत खूबसूरत लगता है। और दोस्तों फिशेस से मुझे याद आया कि बहुत जल्द अहमदाबादी अज्जू चैनल पर मैं आप लोगों को शार्क मछली, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट और पूरी दुनिया की मछलियाँ दिखाने वाला हूँ, स्टिंग रे, और वो भी बिल्कुल आपके सर के ऊपर से गुजरते हुए, और लगभग प्लेन के बराबर शार्क मछली बड़ी बड़ी आपके सर के ऊपर से निकलती हैं। ये है साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में, जिसका वीडियो आपको अहमदाबाद यज्जू चैनल पे देखने को बहुत जल्द मिलेगा। लिंक मैंने अहमदाबाद यज्जू चैनल की दे रखी है, जाकर आप वहां पर वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब दोस्तों कृष्णा नेचर पार्क के बारे में थोड़ी बात करूँ, तो मेरी बात हुई यहाँ के ऑनर से। वैसे दोस्तों आप लोगों को नहीं पता होगा, पद्मश्री अभी मिला था सऊजी भाई धोड़किया, आपने शायद कहीं अखबारों में पढ़ा होगा कि जिन्होंने कभी डायमंड गिफ्ट किए अपने
एम्प्लॉयज़ को कभी फ्लैट गिफ्ट किया तो कभी कार गिफ्ट की। इतना बड़ा दिल बहुत कम लोगों का होता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उन्हीं का ये इनिशिएटिव है और उनके भतीजे जो हैं वो इनको चला रहे हैं। और उनके भतीजे से डायरेक्ट दोस्तों हमने बात की और बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। उन्होंने हमारे काम को सराहा, हमने उनके काम को सराहा, क्योंकि वो भी सोसाइटी को कुछ रिटर्न कर रहे हैं और हम भी सोसाइटी में कुछ रिटर्न करना चाहते हैं कि बर्ड लवर यहाँ पर बढ़े। और बच्चे अगर पंछी परिंदे और जानवरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो इंसानों की रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। तो आप अपने बच्चों को दोस्तों बर्ड्स लाकर दीजिए, एक्वेरियम लाकर दीजिए। जब वो इनकी केयर करना सीखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे आप कह सकते हैं इंसानों की रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। तो आगे मैं आप लोगों को इगुआना वगैरह दिखाने वाला हूँ। पहले हम ये आप पिराना देख रहे हैं, ये पैरेट फिशेस देख रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ एपिसोड आपको पेट गुरु पर देखने को मिलते हैं। पेट गुरु पर हम एक्वेरियम, एक्जोटिक बर्ड सब कुछ कवर करते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं। और यहाँ पर ये अच्छी बात है कि इन्फॉर्मेटिव एपिसोड के साथ साथ दोस्तों आप खरीद भी सकते हैं, ठीक है। खास करके हमारा काम जो है दोस्तों बर्ड्स में ज़्यादा है, हम एक्जोटिक बर्ड्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम पेट शॉप भी ज़्यादातर कवर करते हैं। तो कुछ पेट शॉप के वीडियोज़ में आप लोगों को यहाँ पर एक्वेरियम शॉप के, खास करके ये एक्वेरियम का वीडियो है तो आई बटन में रख दूंगा, तो आप देख सकते हैं वडोदरा के, अहमदाबाद के एक्वेरियम शॉप्स, सूरत के एक्वेरियम शॉप्स वगैरह जो है आप आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिल जाए और आपके नज़दीक में जाकर आप खरीद सकते हैं। अमेजिंग बड़ी फीस है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आने का मकसद देखिए, सभी फोटोग्राफी वगैरह करना यहाँ पर अलाव है, कोई चीज़ के लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है। मैंने कई जगह पर दोस्तों हिंदुस्तान में देखा है कि लोग फोटोग्राफी नहीं करने देते। अभी हाल ही में मैं काकरिया के एक छोटे से एक्वेरियम में गया, जहां पर 5 रुपए की फीस में कुछ 8 से 10 ही टैंक थे और वहां पर फोटोग्राफी नहीं करने दे रहे थे। मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि आप कौन से ज़माने में जी रहे हैं, जहाँ पर इन सब चीज़ों को प्रमोट करना है वहाँ आप फोटोग्राफी वर्जित रख रहे हैं। आप दुबई जाइए, आप साउथ अफ्रीका जाइए, हर जगह पर आपको फोटोग्राफी करने की अनुमति दी जाती है। अब ओवरऑल देख लीजिए, अब इसके बाद चलिए दोस्तों अब बाहर की ओर चलेंगे। अब इगुआना देखने का टाइम है हमारे लिए, स्पेशल इगुआना को बाहर निकाला जाएगा और हम आप लोगों को नज़दीक से दिखाएंगे। इगुआना के साथ भी दोस्तों आप फोटोशूट करवा सकते हैं। तो अब ये देखिए, इसके साथ भी शायद फोटोशूट करवाने का 200 या 250 रुपीज़ कुछ चार्जेस है, तो आप इसके साथ करवा सकते हैं फोटोशूट। काफ़ी लोग फोटोशूट यहाँ पर करवा सकते थे। अब दोस्तों इसको आप घर में भी पाल सकते हैं, और ख़रीदना चाहते हैं तो इसके वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ये आप सिज्जू पपी देख रहे हैं, तो डॉग का भी एक सेक्शन है, इगुआना और रेप्टाइल का एक सेक्शन है, फिर डक, टर्की, गीज, इन सब का एक सेक्शन बनाया गया है, पिजियंस वगैरह का। और दोस्तों ऊपर एक एक्जोटिक बर्ड के छोटे छोटे केजेस लगाए गए हैं, वो सेक्शन भी बनाया गया है। और एक सेक्शन में आप 7-7, 8-8 लाख और 50-60 हज़ार वाले जो एक्जोटिक बर्ड्स हैं उनके साथ अपने फोटोशूट करवा सकते हैं। अब हम आ चुके हैं दोस्तों इनके गुडीज शॉप में, जहाँ पर आप बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयज, खिलौने, स्टेशनरीज खरीद सकते हैं और कुछ यादें यहाँ से ले जा सकते हैं। तो आपका पूरा दिन दोस्तों मैं गारंटी से कहता हूँ यहाँ पर निकल जाएगा। यही कुछ गुडीज हमें भी गिफ्ट की गई, तो मैं थैंक यू कहता हूँ कृष्णा पाक के मैनेजमेंट, क्योंकि आपने हमें रिस्पेक्ट दी और हमें यहाँ पर आने का मौका दिया। तो दोस्तों ज़रूर आइए, आप लोग सच में यहाँ आएंगे तो आपके पैसे भी वसूल होंगे और आपकी फैमिली बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप स्क्रीन पॉज करके यहाँ पर प्राइजेस देख सकते हैं। मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, और हम लेते हैं आज के लिए अलविदा। मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।